acceptable languages or you can say at low level languages with the help of interpreter. इंटरप्रेटर यूज करके ही पाइथन अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है. यस सर. राइट. नेक्स्ट इज डायनेमिकली टाइप. जो पाइथन लैंग्वेज है ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है. लैंग्वेजेस में स्टैटिक एंड डायनामिक, जैसे कि सर ने बताया था कि स्टैटिक्स एंड डायनामिकली मतलब जो टू टाइप्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेजेस रहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें जो पाइथन है ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है. Guys, dynamically, please note it down. Guys, dynamic languages means flexibility. Static means not flexible. To be frank, Java and C, Java, these languages are static languages. Python is not static language. It's dynamic language. That's the reason for Java. In the case of Java, you might be knowing that we should learn Java. Then for web designing, it's like Angular Java, JavaScript and all. But in this case, Python is dynamic language. That's the reason we can use Python in any of these sources. जैसे कि आपको पता है कि Java अगर पढ़ना है तो आपको Java के लिए काफी सारी चीजें आनी चाहिए, like Angular Java आना चाहिए, Core Java आना चाहिए, you know, JavaScript आना चाहिए, बहुत कुछ लगता है. C में भी C++ आना चाहिए, C Sharp आना चाहिए, पता नहीं क्या क्या लगता है. लेकिन Python ऐसा नहीं है. That's the reason we call them as static languages. But Python is not static. Python is dynamic languages क्योंकि Python को हम कहीं भी use कर सकते हैं, चाहे web development में हो या app development में हो. Yes, please continue. Right. ये Python, why Python language? मतलब Python use करने के लिए मतलब क्या reasons है? तो ये 8 reasons है कि आप Python language choose कर सकते हो. I hope आप सब ने ये लिखा होगा. Devendra sir, did you write it? Yes, sir. Next. Please, students, stay interactive. Done. Okay. We got chats. Next. Application types by Python. Means Python language we are using for the application purpose. Means हम पाइथन का यूज करके हम एप्लीकेशन बना रहे, राइट? बट वो कौन कौन से एरियाज कवर करता है पाइथन लैंग्वेज? तो फिर वी कैन डेवलप मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस बाय यूजिंग पाइथन लैंग्वेज. हम पाइथन का यूज करके मल्टीपल एरियाज के जो एप्लीकेशंस है, मींस डोमेन्स है, उसमें हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज डेटा साइंस, एप्लीकेशन, डेटा साइंस एप्लीकेशन, जो कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, तो उस डेटा को रिलेट करने के लिए डेटा साइंस टर्म यूज किया है. इस डेटा साइंस का यूज करके हम क्या करते हैं कि उस जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं, और उसके जो एप्लीकेशन है पे, और पाइथन क्या करता है, हेल्प करता है डेटा साइंस ये डोमेन के एप्लीकेशन बनाने के लिए. गाइस, इंडस्ट्रीज यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू स्टोर दैट पाइथन इज बीन यूज्ड. दोस नो आईटी लाइक डीबीएम इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिग डाटा. They use SQL and no SQL languages. But in case of Python, we don't need such kind of languages because Python has inbuilt library of it. Data science, as according to LinkedIn, 2021 mein, in 2021 in India, data science will be the second number of largest available job, or you can say highest paying job in India, according to LinkedIn. Okay, so if you are knowing Python, data science is in your hand. Yes, sir. Right. Next, second is machine learning applications. तो यहाँ पे मशीन लर्निंग एप्लीकेशन आप बना सकते हो. मशीन लर्निंग मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब डोमेन है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग में क्या करते हैं कि मशीन या फिर कंप्यूटर या फिर जो भी आपका रोबोट है या फिर डिवाइस, उसे क्या करते हैं, हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, और उस डेटा के आधार पे मतलब उस डेटा का यूज करके वो मशीन क्या करती है, मशीन वर्क करती है. मतलब जो परफॉर्मेंस है वो उस डेटा के अकॉर्डिंग को काम करता है. तो मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस यूज करते हैं हम पाइथन में.
Absolutely. A machine learning such kind, any of the robot that knows to speak or something means to function, to make a robot function, we need to know machine learning. So basic of machine learning is Python. If you know Python, you can operate any of the machine learning languages, any of the algorithms regarding with machine learning languages. So that's the reason Python is necessary in every field. Okay, machine learning is totally dependent on artificial intelligence. So automation industry also. So those who are from electronics and telecom department, electrical department or mechanical, if you want to go in automation industry or, you know, artificial intelligence industry applications, so machine learning is totally used for it. And Python is the basic form of machine learning. Yes, please. Right. Abhi, artificial intelligence is a main domain of artificial intelligence. उसके नीचे आता है मशीन लर्निंग, उसके बाद डीप लर्निंग आता है, राइट? तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि एक अल्गोरिदम्स रहते हैं इसमें आर्टिफिशियली, मतलब जो कैसे मतलब वर्क करना चाहिए वो वर्क हम अल्गोरिदम्स मतलब बनाते हैं. तो ये जो अल्गोरिदम्स है वो बेसिकली बहुत डिफिकल्ट रहते हैं कि मतलब यूज करना. सी हो गया और जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है उसमें जो अल्गोरिदम्स है वो खुद से बनाना पड़ता है और उस पर वर्क करना पड़ता है. और मतलब एक बहुत कॉस्टली चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अल्गोरिदम्स बनाना. बट पाइथन एक अपने लिए एक अच्छा टूल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हो पाइथन लैंग्वेज के थ्रू. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ लाइब्रेरीज है पाइथन में. मैं आपको पाइथन के लाइब्रेरीज के बारे में भी नेक्स्ट में बताऊंगा आपको क्या होता है. और पाइथन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो डोमेन है इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है पाइथन लैंग्वेज के लिए. मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लाइब्रेरीज है अल्गोरिदम्स ये यूज होते हैं पाइथन की लाइब्रेरी. वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम, आप अपना नेट चेक कीजिए. सर वन मिनट मैम, आप अपना नेट चेक कीजिए बिकॉज वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रहा. मैम प्लीज चेक योर नेट प्लीज. ओके यस सर, प्लीज कंटिन्यू थोड़ा ताकि सबको समझ में आए. ओके सर. ओके ओके ओके. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि एक मेन डोमेन है अल्गोरिदम्स के लिए. मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस क्या है कि उसे एक ऑटोमेशन होना चाहिए मशीन में. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अल्गोरिदम्स है वो इनबिल्ट पाइथन जो लाइब्रेरीज है वो बहुत सारे मतलब कम्युनिटीज ऑफ प्रोग्रामर्स रहते हैं उसमें. वो क्या करते हैं अल्गोरिदम्स के नए नए लाइब्रेरीज ऐड करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं पाइथन के लाइब्रेरीज में. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मेन डोमेन फॉर मशीन लर्निंग एंड देन डीप साइंस deep learning, right? Yes, absolutely, Samrat sir. Actually, what is artificial intelligence? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, what this artificial intelligence actually means, as the name contains, artificial intelligence, giving a robot an artificial brain like human. That consists of neurons and all. I won't go with that right now. Just think like artificial intelligence or artificial brain to any robot. For that, we need Python programming. So Python already have such kind of libraries to handle this kind of algorithms that are used in artificial intelligence. Python ke paas already waise libraries hai. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अल्गोरिदम्स है उनको हैंडल करने के लिए, उनको रन करने के लिए. ये जावा और सी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसलिए हम पाइथन को यूज करते हैं. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ जावा एंड सी टू ऑपरेट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम अल्गोरिदम्स, बट इन पाइथन इट्स वेरी इजी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट पर बहुत ज्यादा डिमांड है. अभी तो फिलहाल कॉम्पिटिशन बहुत कम है, पर अगर जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है यही सही टाइम है. Yes, sir. Please continue. Right, sir. आपका व्यू एकदम बराबर है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऊपर. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आईओटी एप्लीकेशंस भी इस पे हम बना सकते हैं. आईओटी के जो एप्लीकेशंस है, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ आईओटी के बारे में. आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को
कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं आईओटी एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है कि जो अपने जो भी मतलब फिजिकल डिवाइसेस होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और उसको ऑटोमेशन हम ऑटोमेशन के लिए हम आईओटी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्कशॉप ने एक प्रोजेक्ट बनाया था होम ऑटोमेशन। तो उसमें क्या किया था हमने कि जो घर के जो भी लाइट्स है और जो भी अप्लाइंसेस है होम अप्लाइंसेस है वो हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं कहाँ से भी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन हैंडल दी होम। मींस जो भी घर के जो भी टीवी है फॉर अपना फैन है ट्यूबलाइट्स है ये हम हैंडल कर सकते हैं अपने एक मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू। उसमें आर्डिनो एंड सो ऑन नोड एमसीयू ये सब इंट्रोड्यूस होते हैं आईओटी में। जब आप आईओटी का बारे में पढ़ोगे तो उसमें आर्डिनो एम्बेडेड कोडिंग रहती है उसके बाद सेंसर से इंटरेक्शन किया जाता है आईओटी के साथ। तो यही जो आईओटी है आईओटी की जो प्रोग्रामिंग और जो एप्लीकेशन है ये हम बना सकते हैं पाइथन के थ्रू। तो फिर मतलब पाइथन ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो न्यूली इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजीज है उसमें एकदम डोमिनेटली आई थिंक हो सकता है। यस सर, जैसे कि एज लाइक सर सेड पाइथन इज वाइडली यूज्ड इन आईओटी। आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, इन सिंपल वर्ड्स यू लाइक इमेजिन यू आर सिटिंग इन इंडिया एंड यू वांट टू ऑपरेट एनीथिंग एट लंदन। For example, you want to operate a AC that is situated at London, you can operate from India just by one click. For example, I want to on the tube light of my home, which is at London. So if I just press one button from India, it will on the tube light that is at London. That's the beauty of IoT. And this coding needs Python. Python can handle such kind of applications. लाइक इमेजिन करो आप इंडिया में बैठे हो और आपको कहीं लंदन में आपका कोई दोस्त का घर है उसका आपको लाइट ऑन करना है ऑफ करना है तो ये आईओटी के जरिए यूज हो सकता है। जैसे कि सर ने कहा वी ऑलरेडी हैव कंडक्टेड सच काइंड ऑफ वर्कशॉप रिगार्डिंग आईओटी। तो यू कैन प्लीज टेक अ लुक एट आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड। क्या होता है ना कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो एक सिंगल क्लिक से विद जस्ट वन क्लिक आप लंदन में उसके एप्लीकेशंस भी चला सकते हो। दुनिया के कौन से भी कॉर्नर से आप कौन से भी कॉर्नर में आप एप्लीकेशन चला सकते हो। यू कैन ऑपरेट एनी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यस सर, अभी वेब एप्लीकेशंस के बारे में हम जानते हैं। वेब एप्लीकेशंस वेब वेबसाइट रहती है मतलब जो भी इंटरनेट पे हम जो देख रहे हैं ये क्या है वेब वेबसाइट्स है और उसपे अगर कुछ एप्लीकेशंस मतलब वर्क हो रहा है उसपे अगर कुछ डेटा स्टोर हो रहा है प्रोसेस हो रहा है तो वो होता है वेब एप्लीकेशन। तो फिर वेब एप्लीकेशंस के लिए बनाने के लिए हमें फर्स्ट यूजर इंटरफेस के लिए हमें HTML CSS एंड लॉट्स ऑफ यूजर मींस यूजर इंटरफेस UI डिजाइन ये सब करना पड़ता है राइट। तो जो बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशंस के लिए। ओके, वेब एप्लीकेशंस के लिए जो बैकएंड में हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं नोड जेएस है और भी मतलब जो रिएक्ट जेएस ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट्स है इससे हम क्या करते हैं वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। बट इसमें जो प्रॉब्लम्स ये है कि मतलब न्यूली टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं बट उसमें लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन है वेब एप्लीकेशंस के बारे में। बट पाइथन एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करके देता है जिससे आप इजीली वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। यस गाइस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाइथन बिकॉज लाइक इमेजिन इतने सारे जावा के एप्लीकेशंस है देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस दैट इट्स सो टफ टू रिमेंबर द नेम्स एंड फॉर डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ वेब और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड एप्लीकेशन आपको कितना कुछ आना पड़ेगा तब जाके आप कुछ बना पाओगे। लाइक आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए यू हैव टू नो जावास्क्रिप्ट रेयर जावा बैकएंड के लिए अलग जावा बापरे 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 बट इन पाइथन ऐसा नहीं है। इन पाइथन इट्स नॉट लाइक दैट वेब एप्लीकेशंस इन पाइथन। यस एग्जैक्टली कुछ फ्रेमवर्क्स है
there are some frameworks that are very easy to use, and from that we can create any of the web application. You don't have to know HTML or JavaScript or any of the things. But in Python, just for one, you know, one kind of framework, there are different frameworks. But hello, am I audible? That sentence repeats once again because the voice was crashed. Okay. ब्रेकिंग ओके नो इश्यूज ओके एज आई सेड जावा के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यू हैव टू लर्न अ लॉट मोर इन जावा टू डेवलप एनी काइंड ऑफ वेब रिलेटेड एप्लीकेशन लाइक जावा स्क्रिप्ट एंड मेनी मोर यू नो बैकएंड फॉर जावा फिर स्टैटिक जावा एंड ऑल नोड जावा मेनी थिंग्स बट इन पाइथन इट्स नॉट लाइक दैट इन पाइथन इट्स वेरी ईजी टू डेवलप एनी काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन विद जस्ट सम नॉलेज ऑफ फ्रेमवर्क With just little knowledge, you can develop any kind of web application related, you know, by using Python languages. A Python use करके कौन सा भी web applications easily बना सकते हो. आपको बस कुछ frameworks याद रखने पड़ेंगे, कुछ frameworks ध्यान रखने पड़ेंगे बस. आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है. Yes, sir. Please continue. Next sixth है network based application. First of all, हम network क्या है वो जानकारी लेते हैं. नेटवर्क हम बेसिकली क्या देखते हैं कि सिम कार्ड है उसका नेटवर्क रहता है उसके बाद हम क्या करते हैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिवाइस टू डिवाइस ये क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू राइट वो वाईफाई हो सकता है राउटर हो सकता है एंड सो मेनी थिंग्स रह सकती है जिससे हम नेटवर्किंग हो रहे हैं मतलब अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर है सर्वर है उसे कनेक्ट करना है हमें सभी कंप्यूटर से वहां पे जो नेटवर्क बेस्ड बेस्ड जो प्रोग्रामिंग रहती है तो वो हम किस पे यूज कर सकते हैं नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बाय यूजिंग पाइथन पाइथन के थ्रू हम वो नेटवर्क मतलब नेटवर्क का जो प्रोग्रामिंग है वो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन हम बना सकते हैं मीन्स अगर मुझे इधर यहाँ से मेरे जो कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स है उसको हैंडल करना है तो वो क्या किस में आता है नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन में आएगा और या फिर मुझे यहाँ पे बैठ के अगर हैंडल करना है मेरी वेबसाइट वेबसाइट भी एक सर्वर पे रहेगा राइट तो वो जो बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग है नेटवर्क बेस्ड वो नेटवर्क का जो वर्क है वो पाइथन में वर्क होगा Yes, absolutely, guys. Absolutely. Okay. Before discussing this network-based application, I will introduce one of my well-known friend who also is in fond of learning this Python language. His name is Vipin Kodade. Yes, we both were working in a networking industry, and we know the importance of Python. Vipin, do you remember? Hi, Vipin. Hello, Vipin. Hello. Hello. Yes, Vipin, do you remember? We both were working at a network industry as a network engineer and we were knowing that Python was so much, you know, well-known, used for networking. Do you remember that? Yeah, we are working at Orient. Python ko kitna use ho raha tha? Network industry mein kitna Python use chahiye tha? Yes, I do you remember? That's the reason this guy, Vipin ko network industry mein job karna tha. Of course, isliye usne mujhe insist kiya ki mujhe Python seekhna hai. So that's the reason he is here. उसी के वजह से वो आज यहाँ पे है because Python से आप किसी भी network industry में जा सकते हैं कोई भी network industry में जा सकते हैं because at the back end of any of the network devices before programming any of the network devices you should know Python. अगर आपको Python आता है then it's easy to handle any of the networking devices. So now I guess it will be a great helpful to Vipin if you wanna go for any of the further networking industry. Am I right, Vipin? Hello. Yeah, am I right, Vipin? Now it can be a very helpful to you, I guess. Yeah, actually. Okay. Yes, sir. Please continue. Yes. Seventh one is data analytics applications. जैसे कि मैंने आपको बताया कि machine learning, फिर data science and artificial intelligence. ये जो terms है ये एक दूसरे से interconnected है. कहीं ना कहीं मतलब artificial intelligence domain के साथ मतलब ये जुड़ते जाएंगे. यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे देखिए क्या है कि डेटा साइंस जो मतलब डेटा जो मैक्सिमम डेटा हम जो हम अभी जो बोल रहे हैं
या फिर हम जो है इंटरनेट पे, तो वो क्या होता है, डेटा है, डेटा में भी डायनेमिक डेटा रहता है, बहुत सारा वीडियोज है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है वो सब डेटा एक मतलब स्टोर होता रहता है कहीं ना कहीं। तो ये जो डेटा है उस डेटा के जो पैटर्न्स रहते हैं उसको क्या करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे उस पे, अलग अलग पाइथन के अल्गोरिथम्स उस पे वर्क करेंगे, राइट। फिर उससे एनालाइज करेंगे कि जो डेटा है, डेटा का पैटर्न किस तरह से मतलब मूव हो रहा है या फिर किस वे में जा रहा है। अगर आप मतलब अगर आपको कुछ मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है, इट इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। अगर आपको कुछ मतलब कंपनी आपकी मतलब लास्ट 10 ईयर्स का आपके पास डेटा है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो अगर आपको फ्यूचर के लिए जो वर्क करना है तो फ्यूचर के लिए आपको ये जो जो डेटा है आपके पास, तो उसका आपको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा। जो एनालाइज करने के लिए आपको पाइथन के टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम्स आप उसमें यूज करके आपको उसमें से जो इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है वो आप उसको ग्राफ के थ्रू या फिर एनालाइज कर सकते हो आपके फ्यूचर के लिए, कि उससे मतलब आपको लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब आपकी कंपनी एक जो प्रोबेबिलिटी है, द सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस डेटा एनालिटिक्स से। तो डेटा एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो डेटा एनालिटिक्स का जो एप्लीकेशन है वो डेटा एनालिटिक्स के एप्लीकेशन पाइथन में यूज करेंगे। यस गाइस, डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन विच प्लेज अ मेजर रोल इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री। गाइस, बिग इंडस्ट्री, एज आई सेड बिफोर, बिग इंडस्ट्री हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, फॉर टू हैंडल दैट काइंड ऑफ डेटा, टू एनालाइज दैट काइंड ऑफ डेटा, वी नीड पाइथन। So data analytics is also a job offered by LinkedIn as the third number. Yes, guys, as the third number in 2021, the highest paying job as data analytics, which needs Python. No structured query language, no SQL or nothing else. Just a deep knowledge of Python. If you know Python, you can be a data analytics. And data analytics is also the part of machine learning. Believe me, if you know Python, it will be very useful for you guys to work with this such kind of applications. Yes, sir. Right, sir. Abhi database and applications, abhi website applications, web application hai, to uske saath database to lagega hi. Kyunki jo bhi information, jo bhi hum website pe process kar rahe, to wo kahin na kahin to store hoti rehti hai. जो भी हमारा डेटा है उसका वो डेटा एक डेटाबेस में स्टोर होता है। तो डेटाबेस बैकएंड में जो डेटाबेस स्टोर रहता है उस पे प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा इंसर्ट करना है, डेटा डिलीट करना है, डेटा मतलब एक नॉर्मल प्रोसेसेस हो गए। तो ये जो एप्लीकेशंस है वो डेटाबेस एप्लीकेशंस हम पाइथन की मतलब यूज करते हैं डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए। तो ये 8 एप्लीकेशंस के डोमेन है पाइथन के ऊपर। मतलब पाइथन का यूज करके हम 8 इंडस्ट्रीज मतलब ये जो 8 डोमेन है उस पे हम वर्क कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन। वैसे तो पाइथन हम बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हैं, बट मैं 8 जो मेन डोमेन आपको बताया है, ये 8 इंडस्ट्री मतलब एक क्या बोलते हैं पार्ट है पाइथन के लिए यूज कर सकते हैं। Yes, guys, database application, one of the major role in industries, like to handle large amount of data, to keep a record of the data, to keep a management of the data, we need database handling capacity. And that is done with the help of Python. If you are knowing database management system, if you are knowing big data using Hadoop or MongoDB, it's okay, no issues. But if you know Python, a deep learning of Python, it will be very easy for you guys to handle such kind of data. Okay, I will just give you a small example with regarding to database applications. आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जो इतने बड़े-बड़े जो industries होती है, सबकी जो salary आती है, जो Excel sheet पे होता है, do you think any of the accountant or any of the commerce student are providing such kind of Excel sheets every day? Are they updating it? No, absolutely not. वो लोग सिर्फ total करते हैं, last में GST, VST निकाल के खत्म।
ये सारे जो काम होते हैं, हर एक को कितना सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए, बोनस कितना जाना चाहिए उनका, ये सारे काम जो डेटाबेस को जो हैंडल करना होता है, ये पाइथन के थ्रू होता है. ऑलरेडी प्रोग्राम उसमें कंप्यूटेड होता है, जिसके वजह से डेटाबेस हैंडल करना इजी हो जाता है. सो इन इंग्लिश, इफ आई वांट टू से, इफ आई वांट टू सम अप इन इजी लैंग्वेजेस, डेटाबेस हैंडलिंग इज डन बाय पाइथन. Python have such kind of libraries that can handle large amount of database applications. In fact, many of the management systems that needs, you know, that handles such kind of data for giving, you know, for providing it to Excel sheets, we need Python languages, because it's quite difficult for any of the, you know, commerce students or any of the accountant to handle such kind of data or to update such kind of data every day. But Python just do it in one click. That's the beauty of Python, guys. That's the beauty of Python. Yes, sir. Right. I request you write down this 8 application types of application. मैं आपको मतलब question करूँगा बाद में. आप आपके notebook में ये सब होना चाहिए. आपके अगर आपने please write it down, guys. Please write it down. एक minute रुकता हूँ और आप लिख लीजिए. क्वेश्चनिंग होगा बाद में. आप देखकर बता सकते हैं. आपको याद होगा लिखकर रखो. मतलब लिखने से क्या होता है कि ज्यादा हमें समझ में आता है और हमारे याद भी जल्दी आ जाता है. फिर बाद में क्यों हमें फिर बार बार पाइथन के बारे में सीखना है. एक ही बार में सीख मतलब लिख लो तो आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको मतलब बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी सेशन में आपका पूरा पाइथन. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने लाइक वी हैव टॉट यू सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग पाइथन, लाइक इतने सारी चीजें हमने बता दी है. क्या आप मुझे कोई भी एक एग्जाम्पल बता सकते हो जहाँ पे पाइथन यूज होता हो? कैन यू प्लीज शेयर एनी ऑफ द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डेटाबेस और एआई व्हाई वी यूज पाइथन और एनी ऑफ द एग्जाम्पल्स इफ यू लाइक. जैसे कि आई रिमेम्बर डेटाबेस एप्लीकेशंस आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू गिव सैलरीज एंड ऑल. तो क्या आप कुछ ऐसे रिलेट ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ आप दे सकते हो? Students, come on, answer it up. कोई एग्जाम्पल जहां पे आपको पता होगा. हेलो हेलो. यस, हू इज दिस? विपिन आई गेस. यस 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 विपिन, प्लीज. या वी कैन यूज दिस इन बैंक आल्सो टू अप्रूव द लोन और नॉट, लाइक डिपेंडिंग ऑन द समवन्स क्रेडिट और डेबिट हिस्ट्री द बैंक विल बी अप्रूव द लोन और इट विल बी प्रेडिक्टेड बाय द पाइथन. Yes, exactly. You mean that database handling are also used by banks. Am I right? Yeah, right. Exactly. Exactly. To approving loans, to giving such amount of loans, to calculate the interest and all, to handle such kind of... Yes, absolutely. In hospital also. Yes. You are right. Such kind of applications can be handled by Python. Before Python, we were using SQL languages like structured query languages, non-structured query languages. But after introducing Python, after the Python came into market, it's very easy to handle such kind of database. Oh, sorry, I by mistake raised my hand. Okay. After introducing Python, it was very useful. Repeat questions in hospital. Okay. Yeah, in hospital. Absolutely in hospital to handle such a large amount of patient wards and all. In hospital also, we need Python. Yes, sir. Please continue. ये जो एप्लीकेशन है आप जैसे कि बोले हॉस्पिटल एक ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन हम एक एज अज्यूम कर लेते हैं तो उसमें जो मतलब जो पेशेंट्स का डेटा आता है तो डेटा जो है वो हम क्या कर सकते हैं उस पर डेटा साइंस एप्लीकेशन का यूज मतलब करके हम उस पर एप्लीकेशन बना सकते हैं. उसका डेटाबेस जो वेब एप्लीकेशन है हॉस्पिटल के लिए वो भी हम क्या कर सकते हैं एक वेब एप्लीकेशन बना के उसका डेटाबेस भी हम स्टोर कर सकते हैं. बाद में वही जो मतलब अभी तक जो भी डिसीजेस है हॉस्पिटल में वो कौन कौन से मतलब आए हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शन वो कर सकते हैं कि किस मंथ में या फिर किस ईयर में कितना कौन सा डिसीज मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मतलब ये आ सकता है बस्ट हो सकता है कि ये डिसीज ज्यादा आ सकता है तो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं. और यहाँ पे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं उसमें
अभी यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे पाइथन का यूज करके अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ कि मेडिकल जो इंडस्ट्री रहती है उसमें मेडिकल में फॉर एग्जांपल अभी ब्रेन ट्यूमर है, ये जो प्रेडिक्ट करना है वो मैन्युअली करना पड़ता है, सभी इसको डॉक्टर्स को मैन्युअली मतलब टेस्ट करना पड़ता है, बट एट द एंड डॉक्टर भी मतलब 60% अप टू 60% ही श्योर होते हैं कि मतलब मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर है तो वो जो प्रेडिक्शन है तो वो प्रेडिक्शन डॉक्टर मतलब इतना अश्योर नहीं रहते हैं। जब नंबर ऑफ डॉक्टर्स जब हम टीम बिठाएंगे तब उनका जो प्रेडिक्शन है वो लगभग 50 या 60% उनका प्रेडिक्शन सही होता है, बट यहाँ पे हमने अगर जो बैक 10 ईयर्स का डेटा अगर हम उस पाइथन लैंग्वेज का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स का यूज करके उसकी लाइब्रेरीज यूज करके अगर हम उस डेटा को मैच करेंगे उस मरीज को या जो डिसीज पर्सन पेशेंट है तो उस पेशेंट को हम क्या करेंगे जो उसका जो डेटा है उसको मैच करेंगे प्रीवियस 10 ईयर्स का डेटा बाय यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरीज एंड वो मैच करेगा। आप बिलीव नहीं कर सकते वो 80% तक मतलब सही हो सकता है, बट हम मशीन पे इतना डिपेंड नहीं रह सकते इसके लिए, बट एज अ डॉक्टर्स टीम एंड प्लस पाइथन लैंग्वेज का मतलब यूज करके हम एक प्रोबेबिलिटी मतलब निकाल सकते हैं जो कि बहुत ही अक्यूरेट मानी जा सकती है, राइट सोमा सर? Yes, actually, guys, actually, probability, that is a major concept. Probability जो handling होती है, we use Python for that. Like sir said, in medical applications, मैं ज़्यादा deep में नहीं जाऊँगा, I won't go in that deep. There are two kinds of tumor. One is benign tumor, that is called as non-cancerous tumor, and another one is malignant tumor, that is cancerous tumor. While examined, doctors are also not that much sure if it is cancer tumor or non-cancerous tumor. They are also like 60 to 75% right. But in case of artificial intelligence, in case of these programmings, the robots, or we can say the artificial intelligence, artificial intellectual robots are more than 80%. Sir said about 80%, but I know that it's more than 80% sure, because that's the beauty of robotics. They are more accurate than humans, but robots are costly, as we can't always be stay dependent on any of the robots. That's the reason voice is lagging. My voice is lagging, sir. Mera voice lag ho raha hai, sir. Yes, sir. Thoda repeat kar dijiye pichle wala. Hello, hello. Am I audible, sir? Yes, audible, sir. Just repeat kijiye thoda. Ek last sentence. Okay. जैसे कि मैंने कहा, there are two kinds of tumor. One is malignant tumor. And other one is benignant tumor. The benignant tumor is non-cancerous and the malignant tumor is cancerous tumor. So according to doctors, they are also not 100% sure. They are also something 60 to 75% sure that the tumor is cancerous or not. But in case of artificial intelligence, or I can say artificial intellectual robots, they are more than 80% sure. As sir said, 80% sure, but actually to the survey, they are more than 80% sure. Right. But the reason is machines are very much costly and we can't be stay dependent everything on machines. That's the reason humans are used, but accuracy of machines is more than humans. And to learn that machine, to help to, you know, help to analyze, we need Python programming. Yes, sir, please continue. Right, sir. Next, we are head to features of Python. अभी हम पाइथन की और फीचर्स के बारे में देखेंगे कि मतलब पाइथन की खासियत क्या है, क्या है मतलब पाइथन में क्या ऐसा अलग है जो वो अलग लैंग्वेज मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से है वो बाजू में आ जाता है पाइथन, मतलब जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उससे ये पाइथन लैंग्वेज किस तरह से अलग है ये देखेंगे हम इस फीचर्स ऑफ पाइथन में। इसमें फर्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैं पहले प्लेटफॉर्म क्लियर कर देता हूँ। प्लेटफॉर्म इन द सेंस प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखो क्या हो सकता है कि हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है। अभी सॉफ्टवेयर बेस्ड में क्या है कि मोबाइल डिवाइसेस है, कंप्यूटर डिवाइसेस है,
कंप्यूटर डिवाइस और मोबाइल डिवाइसेस है, उसमें अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में और अपना सॉरी फर्स्ट हम इसका मोबाइल का देखते हैं। मोबाइल का 60-70% मतलब लोगों के पास एंड्रॉयड, मैक्सिमम 80% एंड्रॉयड एंड्रॉयड रहता ही है। उसके बाद आईओएस आईओएस रहता है, फिर उसके बाद उबंटू लिनक्स कह सकते हैं हमें, और उबंटू क्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके और फोर्थ है मैक ओएस जो कंप्यूटर के लिए, और उसके बाद विंडोज। ये जो मींस ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, और क्रोम ओएस भी है, और भी बहुत सारे ओएस है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मतलब ये प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जब हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर मेरा जो कंप्यूटर है वो विंडोज पे वर्क कर रहा है, विंडोज इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, और हो सकता है आपका मैक ओएस पे हो सकता है, हो सकता है आपने लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल किया होगा। तो ये क्या है अलग अलग प्लेटफॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो यही है एंड्रॉइड आईओएस लिनक्स मैक ओएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो प्लेटफॉर्म्स है तो हर एक अभी हर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग फीचर्स है, और वो अलग मतलब एप्लीकेशन मतलब यूज करते हैं, राइट। तो अभी एंड्रॉइड के लिए .apk फाइल हम इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो किसमें एंड्रॉइड में भी चलना चाहिए, आईओएस में भी चलना चाहिए, लिनक्स में भी चलना चाहिए, मैक ओएस में चलना चाहिए, विंडोज में भी चलना चाहिए। तो ये इतना यही फीचर्स ऑफ मतलब यही ब्यूटी ऑफ पाइथन है कि वो कौन से भी लैंग्वेज मतलब कौन से भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम वर्क कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। एप्लीकेशन बनाना है तो ये सबको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब यूज कर सकते हैं, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम वो पाइथन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और रन करने के लिए पाइथन मीन्स पाइथन एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इन सब एप्लीकेशन पे मतलब वर्क कर सकते हैं। अगर आपको विंडोज पे आना है तो विंडोज पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक ओएस पे इंस्टॉल कर सकते हो, एंड्रॉयड के लिए आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहां पे कुछ मतलब पाइथन के मतलब आप इंस्टॉल करके आप प्रैक्टिस सेशन के लिए यूज कर सकते हो, या फिर वेब 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 प्लेटफॉर्म है उस पे भी आप एक ये कर सकते हो मतलब यूज कर सकते हो पाइथन को, मतलब पाइथन का आप वर्क कर सकते हो वहां पे। तो यही क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि हम प्लेटफॉर्म क्रॉस सॉरी पाइथन को इस मतलब मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम वर्क कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। यस एब्सोल्युटली राइट। Remember guys, those who all are working with other languages such as Java and C++, those who know Java, they always remember that for running such kind of codes, for running Java codes, there is different code for Windows, there is different code for Linux, there is different code for Android. So different operating system has different operating codes of Java. But in Python, it's nothing like that. What is operating system now? In simple words, operating system means software which is used to operate in other, other computers or something like that. Because Android is such kind of operating system. Windows is an operating system. Like koi bhi application, koi bhi software. Bolte na language agar kisi ko dena ho, usko operate karna ho. Anything we have to operate in dabbe mein. Jo PC aapka jo dabba hai, jo lappy hai, usko agar chalana hoga, to we need some kind of operating. So that operating system is such as a simple software. Python has such kind of beauty that it can work simultaneously in every of the softwares without changing the code. Humko change nahi karna padta hai. Koi bhi operating system ho, agar usme run karna hoga, to we don't have to change the code. For Android application, those who don't have Lappy or PC, you can download PyDroid from Google Play Store. It's easily available, PyDroid. You can type your Python programming from there.
we will also help you to understand how to install the Python. हम आपको वो भी बताएंगे कि Python को install कैसे करना है. As I said, Python is easily, you know, easily writable and easily understandable in any of the local environment. Okay, like any of the operating system like Android, iOS, Linux, Mac versions, Windows, any of the Windows version, we don't have to change the code for writing in different operating systems. Yes, sir. Right, sir. Abhi next hai object oriented. Object oriented means kya hai? Object means abhi mera naam Samrat hai, to Samrat ko kaise pehchanenge ki uska matlab ek insaan hai, human hai. Abhi laptop hai, computer hai, तो उसके जो पार्ट्स रहते हैं, मतलब जो हमें फिजिकली दिख रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट? उस ऑब्जेक्ट का मैं अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसीडर करना है, तो आप गेम इज अ बेटर वे टू टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अगर गेम आप मारियो गेम खेले रहेंगे, मारियो गेम है, मारियो गेम में क्या है कि वो जो एक कार्टून एक ऑब्जेक्ट है, उसको क्या है कि उसको हेड बनाया है, उसके बाद उसकी लेग्स एंड हैंड्स एंड उसका पेट ये सब बनाया है, राइट? तो ऑब्जेक्ट दिखने के लिए उसका हम क्लासेस मतलब डिफाइन करते हैं, मतलब हेड के लिए मतलब अलग फंक्शनिंग करेंगे और हैंड के लिए अलग है, पैरों के लिए अलग प्रोग्रामिंग करेंगे. तो ये क्या करता है, मतलब यूज करता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब जो हमें हम इमेजिन कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट हम हमें हमारे एप्लीकेशन में या फिर हमारे जो प्रोसेस है वो पाइथन का यूज करके हमें मतलब इंट्रोड्यूस करना है, मतलब उसमें एप्लीकेशन में ऐड करना है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट वहां से हम ले सकते हैं. यस गाइस, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जस्ट से बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Objects such kind which we can see that are objects. For example, as sir said, in a game of Mario, the hand, the face, chota sa chuhe jaisa jo muh hai Mario ka, it's object. Yes, absolutely. So Python also is known as object oriented language because we use the concept of object, class or etc. तो वहाँ पे already उसके objects रहते हैं Python के, इसीलिए Python को हम object oriented language कहते हैं. Not only Python, but Java, C++, these are also object-oriented language because we already have objects, and explain you what kind of objects later on. Just a simple definition. What is object-oriented language? Any of the programming based on the concept of objects is known as object-oriented language. Yes, please. Thank you. Here is elegant syntax. This syntax is syntax. Next, we will start with syntax. एलिगेंट सिंटैक्स. फर्स्ट सिंटैक्स मतलब क्या होता है कि जो अभी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. देखो, अभी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस में है? इंग्लिश लैंग्वेज में ओके यहाँ पे देखिए, अभी हमने फर्स्ट क्या था, क्रॉस प्लेटफॉर्म. सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. थर्ड इज एलिगेंट सिंटैक्स. एलिगेंट सिंटैक्स यहाँ पे देखिए, फर्स्ट अगर हमें अगर कोई इंग्लिश पर्सन है तो उसके लिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से मतलब उसका सिंटैक्स होना चाहिए उस इंग्लिश लैंग्वेज का. अभी जो ह्यूमन है, ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड ओनली ह्यूमन लैंग्वेज, राइट? तो मतलब अभी मैं इंडिया से हूँ, हिंदी जानता हूँ, अगर इंग्लिश अगर अदर पर्सन है तो उसको इंग्लिश में उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अलग रहेगा.
हमारे जो इंग्लिश हिंदी में रहता है उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग रहेगा, और जो इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर रहता है इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर वो कुछ अलग रहेगा. उसी तरह इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अगर हमने ऑब्जेक्ट पहले रख दिया या फिर सब्जेक्ट लास्ट में रख दिया तो फिर क्या उसका थोड़ा मतलब, या फिर वर्ब स्टार्टिंग में कर दिया तो फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आएगा उस इंसान में, तो फिर उससे सिमेंटिक एरर्स क्रिएट हो जाएंगे उसमें, मतलब कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा. तो जो मतलब ह्यूमन को अंडरस्टैंड होने के लिए लैंग्वेज की जरूरत है कम्युनिकेशन के लिए, उसी तरह कंप्यूटर को भी लैंग्वेज की जरूरत है. कंप्यूटर भी एक मीडियम लैंग्वेज, वो तो जानता है कि 010 राइट, बट जो मीडियम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका जो सिंटैक्स है वो हमें जानना जरूरी है, और सिंटैक्स के थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से. मतलब एक प्रोटोकॉल, मतलब जो प्रोटोकॉल दिया है उसी प्रोटोकॉल फॉलो करके, वही सिंटैक्स फॉलो करके हम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. अगर मुझे कंप्यूटर से कुछ या कंप्यूटर से मुझे जो भी चाहिए वो मैं जो जो चाहिए वो किससे मिलेगा, कम्युनिकेट करके मिलेगा. तो कम्युनिकेशन जो है वो सिंटैक्स के थ्रू है, जो कि बहुत ही आसान है. मैं आपको सिंटैक्स का भी मतलब नेक्स्ट सिंटैक्स ये टॉपिक अभी चालू करेंगे हम. उससे पहले एलिगेंट सिंटैक्स, मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या है एलिगेंट सिंटैक्स. सिंटैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ ग्रामर फॉर अ पाइथन लैंग्वेज. Yes, I will absolutely repeat it again, ma'am. Okay, syntax in easy words. Is my voice breaking? No, sir. Okay, in easy words, syntax means grammar of program. If anybody asks you, what do you mean by syntax? You just have to say syntax means grammar of program. For example, to learn any kind of languages, we have to learn the grammar first. So if we know the grammar of any languages, the language can be beautifully understandable. So same with the help of programs, syntax means grammar of program. If you remember in Java, in C++, in C languages, there are so many huge syntax. But in Python, syntax is very low. As sir said, elegant syntax means loosely syntax. Python programming is case sensitive, but syntax grammar जो उसका होता है Python का, it contains very less amount of grammar, but it is very case sensitive. Case sensitive मतलब जो आप space देते हो ना programming में, जब आप space दोगे वो space matter करेगा. The space that you give in program while writing in program, the space that you give while writing program, that is very important. If you are giving more amount of space, it will give an error. If you are giving less space or no space, it will also give an error. So Python is a case sensitive, but syntax, it has loosely syntax. Python is loosely syntax means Python contains less amount of grammar. Am I clear, sir? Yes, sir. Right. Yes, sir. Please continue. Right, sir. Next is simple to use. इस जो पाइथन लैंग्वेज है इसे कुछ भी मतलब जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल करना है और चालू हो जाना है, अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कर सकते हैं हम प्रोग्राम, कहीं पे भी हम अपना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम स्टार्ट कर सकते हैं. जो भी एप्लीकेशन है वो हम इजिली यूज कर सकते, मतलब बना सकते हैं. सिंपल टू यूज का मतलब ये होता है कि मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपका पीसी है, आपका सॉफ्टवेयर पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली उस पे वर्क करोगे. यस एब्सोल्युटली सिंपल टू यूज. जावा इज एब्सोल्युटली नॉट सिंपल टू यूज. सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस इज नॉट सिंपल टू यूज, बट Python is actually absolutely simple to use. As we all know, Python is known as beginner's language. It has elegant syntax, means it is loosely syntax. So writing program in Python is very much easy, very much simple. We will also explain why. We will show the different kinds of program in C, Java and Python. And we will explain you why we say Python is simple.
यस सर अभी यहाँ पे GUI लाइब्रेरीज मतलब सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, जो कि मतलब कुछ जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं आप, उस एप्लीकेशन का मेन प्रॉब्लम जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के यहाँ पे मतलब बहुत मतलब प्रोग्रामर को एक अलग से मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। बट पाइथन हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज अवेलेबल कर देती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किंटर जो लाइब्रेरी है, यस हेलो यस सर प्लीज कंटिन्यू जीयूआई सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर जी GUI means graphical. Yes, please, sir. One second. Somebody has a question. Please unmute and ask. Yes, sir. Can you hear me? Hi, buddy. Please ask your question. Can you hear me? Yes, you are absolutely audible. Please ask your question. Okay. Sorry to take you back. I saw the number one feature of Python. Can you speak a little louder? Can you please speak a little louder? Your number one features of Python. You mentioned that Python is cross-platform. Okay. Now, my question is this, because I am coming from a Java background. And one of the features of Java is that Java is cross-platform, in the sense that when you write a code, you can when you write a program, you can absolutely run it on different platforms. So how is this true for Python also? Because as of the present situations in programming, I know, except maybe in C# where you make use of the Docker, you know, in order to achieve the platform cross-platform independence. Okay, so please, the answer of your question is, if you say, yes, please. Audible? Am I audible, sir? Yes, sir. Okay. See, you say that Java and C is used in cross-platform, but it is not environmentally feasible, buddy. The reason behind that is, if you are writing program in Windows, if you are writing any Java program in Windows, and if you copy the same program in Ubuntu or Linux operating system, it won't work. You can try it. It won't work. Because there are some changes, you have to make some changes. But in case of Python, if you are writing any of the program in Windows, you just copy, you just paste it in the Linux software, in the Linux operating system, it will definitely run. As same in Android applications also, like I said, there is an Android application named PyDroid. You can type your program, you can type your Python program there. So if you are typing Java program, like if you're typing Java program in Windows, copy and paste it in Android devices. It won't work. You have to include some kind of header format. You have to include some kind of brackets in it, end file. You know, there are very much complexions. But in Python, it's absolutely not like that. Just copy and paste. If you're typing your program in Windows, just copy it and paste it any of the operating system, in any other operating system, and it will work. Am I clear, buddy? Did you understand? Yeah, I did. Thank you very much. Is your doubt clear? Yeah, it's clear. Soma, okay, thank you. Soma, please lower your hand. Yes. कोई और student है, उनका doubts है, पूछिए जरा नाम लेके, या फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा हो. Yes. Guys, do anyone else have any of the doubts? क्या किसी और को doubt है? The person, Cool Jays, can you please lower your hand? If your doubt is clear, please lower your hand. Yeah, thank you. Yeah, students, क्या किसी और को doubt है? अगर है तो please आप unmute करके पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका Python programming शुरू हो जाएगा. Do you have any of the doubts till now? Right. किसी को कोई भी डाउट है? किया नहीं है, जस्ट यहाँ पे थ्योरी चालू है, राइट? ओके, आई गॉट वन नो. एनीवन एल्स? नो.
GUI libraries. Okay. See, dear, what is GUI libraries? हाँ, please आप explain कर दीजिए समराज सर, फिर मैं बताता हूँ. First मतलब questions था, वही clear मतलब हुआ रहेगा सर, right? नहीं, GUI libraries के time पे question पूछा था ना, तो आप एक बार GUI libraries फिर से समझा दीजिए, वो बाकी रह गया था. जी. यहाँ पे GUI means graphical user interface libraries. मीन्स यहाँ पे जो लाइब्रेरी पाइथन का जो पाइथन खुद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो भी पाइथन के मतलब जो सॉफ्टवेयर है पाइथन का वो खुद एक मतलब खुद के मतलब पाइथन पे ही मतलब लाइब्रेरीज का यूज करके वो डेवलप हुआ है. मीन्स उसका जो एडिटर है पाइथन का एडिटर बोलो या फिर शेल वो जो यूजर इंटरफेस जो हमें दिखता है वो टिक इंटर यानी पाइथन के फुल 100% यूज ऑफ पाइथन ये मेड अप ऑफ फ्रॉम पाइथन लाइब्रेरीज. मीन्स पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है खुद जो पाइथन है वो खुद मतलब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमें दिखेगा नेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगा वो खुद एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जो लाइब्रेरीज है उसकी खुद की उस पर ही वो बना हुआ है. तो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है यहाँ पे कि मतलब अगर आप मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बना रहे हो तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एप्लीकेशन हम दे रहे यूजर को अगर यूजर को मतलब अट्रैक्टिव दिखना है मतलब यूजर को जो एप्लीकेशन है वो बराबर से मतलब यूजर एक्सपीरियंस है वो वेल होना चाहिए अच्छा होना चाहिए तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जो लाइब्रेरीज है वो लाइब्रेरीज पाइथन प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल टिक इंटर जो लाइब्रेरी है वो उसका यूज करके हम एप्लीकेशन का जो फ्रंट में दिख रहा है मतलब हम तो अभी स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग करेंगे बट जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग यूजर को मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं ये पेंट है राइट पेंट का आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे पेंट के जो कलर्स दिख रहे हैं राइट यहाँ पे होम व्यू टेक्स्ट ये सब मतलब जो मेन्यूज है ये सब किस में आता है यूजर इंटरफेस में आता है. तो जो यूजर इंटरफेस जो बनाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है डेवलपर के लिए तो फिर ये जो पाइथन है सिर्फ आपको क्या करना है एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करनी है यहाँ पे फर्स्ट टिक इंटर लाइब्रेरी है कीवी लाइब्रेरी है इस तरह से मतलब बहुत सारे लाइब्रेरीज है आप पाइथन के मतलब सर्च करके आप डायरेक्टली इंस्टॉल करके फिर आप एक एप्लीकेशन बनाने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब इससे बना सकते हो आप इजीली पाइथन से. ओके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डज इट मीन बाय यूजर इंटरफेस means if you're making any kind of application for right now I can see a paint application the colors that you see okay the page that you see that are user interface means the thing that you see in any of the app that is user interface. There are two kinds one is user interface and one is user experience. The backend work the software that we are typing is user experience that is used in backend but front end that you are seeing right now like in this paint application you can see there are n number of colors there are file and all the, whatever you can see is actually the user interface jo bhi aapko dikh raha hai na application mein jo bhi aapko application mein jo samne se dikhta hai wo user interface hota hai aur jo backend mein jo uske software hote hai jo kaam hota hai wo user experience hota hai ux bolte hain usko to user interface python graphical user interface okay python already have such kind of libraries to handle graphical user interface like if I say in the terms of java and c if you want to make some kind of app which like a ui app okay if I want to make some kind of ui app with the help of java like it is very much difficult for a java developer to make such kind of apps but in case of python it's not that much difficult it's very much easy because python already have such kind of libraries as sir said we have tkinter is a library that is used for making ui interface okay for making ui apps so we will also teach you at the last day that how can you use tkinter in your program okay yes sir राइट सर यहाँ पे सिक्स्थ इसकी जो फीचर है ये है रिच लाइब्रेरीज मीन्स यहाँ पे पाइथन जो मतलब लाइब्रेरीज है पाइथन
पाइथन की जो लाइब्रेरीज है वो बहुत सारी मतलब कम्युनिटीज है, प्रोग्रामिंग कम्युनिटीज है, वो खुद से भी बनाती है और पाइथन के इनबिल्ट कुछ लाइब्रेरीज भी रहती है। तो ये लाइब्रेरी से भरपूर पाइथन प्रोग्राम है, तो मतलब पाइथन लैंग्वेज है। जो फॉर एग्जांपल हमने कौन कौन से डोमेन पे मतलब बात की थी, मतलब कौन कौन से एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ की थी, कि जैसे कि डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT है, वेब एप्लीकेशन है, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है, डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन है, डेटाबेस एप्लीकेशन है, डेटा साइंस एप्लीकेशन है, राइट। तो ये जो एप्लीकेशन हमें बनाना है, तो फिर वो जो एप्लीकेशन है तो उसके लिए तो मतलब इनबिल्ट मतलब लाइब्रेरीज नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से पाइथन की लाइब्रेरीज हमें इंटरनेट से वो डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका यूज करना पड़ेगा। एक्सटेंसिबल है ना पाइथन लैंग्वेज, तो फिर मतलब जो भी अल्गोरिदम्स या फिर कह सकते हैं कि ग्राफ, ये सब क्या आपको मतलब नेटवर्क है, वेब एप्लीकेशंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए, इतने सारे मतलब डोमेन्स के लिए लाइब्रेरीज, अलग अलग लाइब्रेरीज है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब कितना बड़े लाइब्रेरीज उसके हो सकते हैं, कि मतलब इतने जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सूटेबल ऐसे लाइब्रेरीज उसमें ऐड होती जाती है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारे मतलब मशीन लर्निंग के लिए टेंसर फ्लो, स्काईकिट लर्न, इस तरह से मतलब लाइब्रेरीज है। मतलब ये जो लाइब्रेरीज पे ही मतलब अपने को जो पाइथन है उसे वर्क करना है, राइट? या एब्सोल्युटली। सो आई गेस जीयूआई इज क्लियर विद एवरीवन, या यस, सब कुछ आ रहा है। जीयूआई क्या होता है सर? मींस जीयूआई लाइब्रेरी, टिक इंटर है, उसके बाद कीवी है, ये क्या है, लाइब्रेरीज है। तो मतलब इस तरह से नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इस पाइथन के पाइथन लैंग्वेज में है, इसलिए इसे रिच लाइब्रेरीज कहा जाता है, मतलब फुलफिल विथ रिच लाइब्रेरीज। और सपोर्ट भी, कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत सारा पाइथन का है, इसलिए यस सर। या थैंक यू सर। ओके, पाइथन इज रिच इन लाइब्रेरीज, फॉर जावा, फॉर C++ वी डोंट हैव सच large amount of libraries as Python, because Python, a single coding language, contains so many libraries that you will fail to evolve such kind of libraries. You know, it's such kind of huge amount of libraries that it will take years for you to decode such kind of libraries. So there are n number of libraries, so that we can use Python in any of the field, in any of the programming concepts, like embedded Arduinos to program the embedded codings, to program the Arduino, to program any artificial intelligence codes. So that's the reason Python, we called it as dynamical language, because it has n number of libraries. It is so rich in libraries that we can handle this code, we can use this code in any of the applications, in any of the softwares, and in any of the user interface programs. Okay sir, am I right sir? Right. Abhi yaha pe easy to code means जैसे कि मतलब एलिगेंट सिंटैक्स होने के वजह से इजी टू कोड, मतलब कोई भी मतलब एज लिमिट नहीं है पाइथन के लिए, एज एंड इंडस्ट्री डजंट मैटर फॉर पाइथन, एनीवन कैन अंडरस्टैंड दिस पाइथन लैंग्वेज एंड इजी टू कोड फॉर एवरीवन, राइट। तो आप कौन से भी इंडस्ट्री से या फिर कौन से भी डोमेन से हो, बट आपको मतलब पाइथन लैंग्वेज आप सीख सकते हो, क्योंकि उसका जो सिंटैक्स है वो वेरी इजी है, इसलिए उसका एक फीचर ऐड हो जाता है कि इजी टू कोड, हम इजीली उसको मतलब कोड कर सकते हैं। इसके बारे में अभी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आप समझ चुके हो इजी टू कोड क्या है अभी पाइथन के लिए। यस गाइस, इजी टू कोड, दिस इज द फीचर ऑफ पाइथन, दैट Python is absolutely easy to code, not like in Java that we type 4 to 6 lines of words, 4 to 6 lines of program to just print a hello. In Python, it's not like that. We have very less amount of syntax, as we all know. That's the reason we say Python is very much easy to code. To be frank, right now in India, as our PM has changed our education society, they have introduced a new education system that from 6th standard coding is important. So first coding, first programming languages that will be introduced in the syllabus is Python.
दैट इज अ रीजन. अगर आप समझ सकते हो, अगर कोई 8-9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा अगर पाइथन सीखना चाहता हो, दे कैन ऑल्सो लर्न पाइथन. दैट्स द ब्यूटी. इट इज वेरी इजी. इट इज वेरी मच इजी. एंड दैट्स द रीजन वी कॉल्ड इट एज बिगिनर्स लैंग्वेज. स्टूडेंट्स अगर आपको